अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम फिंगरलेस मिटन बनाने जा रहे हैं। सर्दियां हो रही हैं काफी, और स्पेशली कुरेशा किया नहीं जाता, लेकिन अगर आप पूरी फिंगर्स वाले ग्लव्स पहने तो फिर आपसे कुरेशा प्रॉपर तरीके से होता नहीं है, लेकिन कुरेशा करने में हाथ ठंडे हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक स्टाइलिश सा फिंगरलेस ग्लव्स बनाना बताऊं। मैंने बहुत यूनिक स्टिचेस ली हैं, इसमें बहुत नाजुक नाजुक से स्टिचेस ऐसे बनाई हुई भी हैं। इसमें मैंने शुरू में 21 चेन्स डाली और मैंने ये रिबिंग कंप्लीट की। इसमें रिबिंग में मैंने कॉर्ड स्टिच यूज किया है, जो कि मैं अभी अभी आपको बताऊंगी। और इसमें कॉर्ड स्टिच के साथ तकरीबन 26 रोज हैं ये। उसके बाद मैंने इस तरीके से शुरू कर दिए। अब फिर ये थंब का पोर्शन अलग करके फिर थोड़ी और बुनाई करके तो यहाँ पे ये ले आते हैं, और ये इस तरीके से बहुत जबरदस्त स्टाइलिश सा फिंगरलेस ग्लव्स बन जाता है। क्योंकि ये वाली ऊन यूज की है तो इसमें आप कहीं व्हाइट और कहीं दूसरे कलर्स आ जाते हैं। इसमें येलो के दो कलर्स हैं और एक व्हाइट आ गया। तो ये मैंने दूसरे गोले से यूज किया था, बनाया था, और अब मुझे इसी तरह का येलो ही चाहिए तो फिर मैंने ये वाला ले लिया। लेकिन ये अब नीचे का डार्क बनेगा और ऊपर से लाइट कलर आएगा, जैसे ये नीचे से लाइट आया हुआ और ऊपर से डार्क है, तो ये नीचे का डार्क होगा क्योंकि ये डार्क ऊन आ रही है पहले, फिर ये लाइट ऊन आ रही है, अब फिर शायद थोड़ा सा वाइट भी यूज होगा ऊपर से। तो ये इस तरीके से बना और वो इस तरीके से बनेगा, बस इस ऊन का यही है। लेकिन बहुत जबरदस्त ऊन है, ये गर्म ऊन है। हम 21 चेन लेंगे से के बाद पीछे वाले लूप में मैं डालूंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये 21 लेके, तो ये जो पीछे वाले पीछे आप ये देख रहे हैं, ये वाले लूप्स आ रहे हैं पीछे, ये वाले, इनमें लूप में मैं डालूंगी। तो ये मेरे 20 स्टिचेस तैयार हो जाएंगे ये पीछे वाले लूप्स। इनमें डालूंगी सिंगल कुरेशा। ये आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6,
सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन ये आपका पहला सिंगल क्रोशिया आ गया। अब हम चेन वन कॉर्डलेस स्टिच के लिए ये लूप हम आगे रखते हैं, आगे रखेंगे और ये बैक लूप, ये जो सिंगल क्रोशिया के सब बैक लूप जो है ना ये हम यूज करेंगे, ये वाला ये बैक लूप। बैक लूप पे ही सब बनाते हैं तो रिबिंग होती है, उसके लिए आगे रखेंगे बैक लूप लेंगे और फिर इसी को ये सिंगल क्रोशिया की तरह बंद हो जाएगा। लूप को आगे रखेंगे बैक लूप लेंगे और फिर नॉर्मल तरीके से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, आगे रखेंगे बैक लूप लेंगे और नॉर्मल तरीके से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, आगे रखेंगे बैक लूप लेंगे और ये सिंगल क्रोशिया। देखें लूप आगे रखेंगे और फिर बैक लूप में डाल के और ये निकाल लेंगे, लूप को आगे रखेंगे बैक लूप और ये
ये इस तरीके से। एक्स्ट्रा जो होता है उसकी कटिंग कर लेते हैं, ये आपको समझ आए आसानी से। ये स्टिच है, बहुत खूबसूरत स्टिच है ये, कॉर्डलेस सॉरी कॉर्न स्टिच। ये इसी तरह मैं बनाती जाऊंगी, फिर चेन वन डाल के दूसरी तरफ से शुरू करूंगी, फिर चेन वन डाल के फिर इसी तरह से 26 रोज बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। लास्ट स्टिच बनाने जा रही हूँ, लास्ट रो। चेन वन डाल दी, इसी तरह यौन को आगे करके बैक लूप में से डाल के और इस तरह निकालते हैं। यौन को आगे करेंगे, बैक लूप में हुक डालेंगे, थंब से इसको पकड़ेंगे और ये नॉर्मल सिंगल क्रोश हो जाएगा। यही कॉर्ड स्टिच कहलाता है। बहुत खूबसूरत स्टिच है, बहुत ही प्यारा डिजाइन बनता है जिसमें भी बनाए। इसे शॉल बनाए, इसे बीनी बनाए, इसे बच्चों की ब्रिम कैप्स बनाए, इसे स्कार्फ्स बनाए और इससे इवन बेडशीट बनाए। इस स्टिच से थोड़ा लेंदी होगी लेकिन बहुत खूबसूरत स्टिच है। ये हमारे 26 रोज कंप्लीट हो गई है। अब हम इनको ज्वाइन करेंगे, फिर हम ऊपर से पहली रो सिंगल क्रोशिए की रखेंगे, एक कॉर्ड स्टिच होगा, फिर हम हाफ टीसी डालेंगे। इसको ज्वाइन करने के लिए देख लेंगे कौन सा ऊपर आना है। चेन बन लेंगे, पहले स्टिच के अंदर डालेंगे, इधर से पहले स्टिच के अंदर डालेंगे,
बल्कि इस धागे को आगे कर लेंगे। फिर इसके पहले स्टिच के अंदर डालेंगे और इसको पहले स्टिच के अंदर से, पहले स्टिच थोड़ा मुश्किल होता है हमेशा से, इधर से पहले स्टिच में डालेंगे, फिर इधर से पहले स्टिच में डालेंगे और फिर नीचे से ही इसको खींच लेंगे। दूसरा स्टिच भी थोड़ा डिफिकल्ट, आहिस्ता आहिस्ता इसकी टोन सेट हो जाएगी। तीसरे स्टिच में डालते हैं। बेसिकली ये हमें नीचे से पूरा लेना है, फिर इस तरह ऊपर आते जाना है। दोनों तरफ के लूप्स लेके फिर हम नीचे से यॉन को लेंगे क्रोशिए में। देखिए ऊपर से इस तरीके से आता जाएगा, इधर से डालेंगे फिर इस स्टिच में से डालेंगे फिर नीचे से यॉन को लेंगे फिर इसमें से और फिर ऊपर वाले में से ले लेंगे फिर अगले में से डालेंगे फिर इसमें से डालेंगे फिर नीचे से यौन को लेंगे और ये इस तरीके से आता जाएगा। यहां से डालेंगे फिर यहां से डालेंगे फिर नीचे से यौन को ग्रिप करेंगे फिर उसमें से फिर इसमें से फिर इसमें से फिर अगला स्टिच जी। मैं स्टिच इसलिए ले रही हूँ कि ये मेरे पैटर्न के साथ मर्ज हो जाएगा, ये देखिए मेरे पैटर्न के साथ सेट हो रहा है, ये इसलिए मैंने ये वाला स्टिच लिया। वरना ज्वाइन करने के तो बहुत सारे स्टिचेस होते हैं। बहुत सुकून पेशेंस की जरूरत है। इधर से लेंगे फिर ग्रिप करेंगे फिर उससे निकालेंगे और ये आ जाएगा। अगले में से डालेंगे फिर दूसरी तरफ वाले में से डालेंगे फिर ग्रिप करेंगे
फिर तीनों में से निकाल लेंगे, बेसिकली तीन है, एक ये लूप है, फिर ये लूप है, फिर ये वाला लूप है, फिर नीचे से यौन को लेना है, फिर तीनों में से निकाल देना है, फिर इधर से डालना है, फिर इधर से डालना है, फिर नीचे उसको यौन को ग्रिप करेंगे तो फिर वो आएगी लूप के अंदर, आसानी से हुक में आ जाती है। बाकी चार रह गए, ये है, और फिर नीचे से ये, फिर ये, सॉरी पूरा नहीं आया। सारे प्लाइज पे आना बहुत जरूरी है, वरना मिस करेंगे तो फिर वो अटक जाएगा। पूरे प्लाइज को हुक में आना बहुत जरूरी है। इसमें इसमें नीचे वाले हुक में, फिर इसमें, फिर इसमें, देखें देखते ही देखते पूरी रॉ बन गई। मुश्किल होती है थोड़ी सी, फिर समझ आ जाती है। नीचे से नजर आता नहीं, अंदाजे से कर लेते हैं। लास्ट सेकंड लास्ट स्टिच, इसमें पूरी प्लाई नहीं आ रही थी। लास्ट स्टिच, रिंग बन गया। अब हम इसमें डालेंगे 38 सिंगल क्रोशिया, 1 2। ऐसा होता ही है, आप जब ये बना लेते हैं एक, अब ये आप बिल्कुल आप अपने जहन से अभी बना रहे हैं, अब इस वक्त मुझे इसमें मुझे पता है कि मुझे क्या क्या बनाना है, लेकिन इस वक्त मैं अब हर चीज अपने जहन से उसी वक्त सोच के बना रही होती हूँ। तो फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि अब जब आप दूसरा पेयर इसका बना रहे होते हैं तो आपको याद ना रहने का भी मसला हो सकता है। तो जो जो आप ये ऐसे बनाते जाएं, आप साथ साथ लिखते जाएं। मैं लिखती गई हूँ कि मैंने 21 चेन स्टार्टिंग में डाली, उसके बाद ये मैंने बैक लूप में कॉर्ड स्टिच के साथ रिबिन किया 26 रोज, फिर मैंने इनको ज्वाइन किया, सिंगल क्रोशिया मैंने 38 डाले इसमें,
फिर मैं स्लिट स्टिच कर लूंगी और फिर सिंगल क्रोशिया सब में डालूंगी, फिर एक कॉर्न स्टिच सब में डालूंगी, फिर एक डीसी हाफ डीसी डालूंगी और ये सब मैं बैक लूप पे ही काम करूंगी। तो ये मेरे 38 स्टार्टिंग में मैं डालूंगी, थोड़ा सा इंक्रीज होके ये 42 आ जाएंगे एंड तक ऊपर तक जाते हुए। तो ये मैंने इसी तरह ये मैं सेवरल टाइम्स करूंगी, आई मीन थ्री टाइम करूंगी और फिर ये मैं आपको बताती जाऊंगी साथ साथ कि ये कितनी वो बन रही है बैक लूप पे। तो ये 38 अभी मैं डालूंगी सिंगल क्रोशिया और फिर थोड़ा इंक्रीज होकर ये 42 तक आ जाएंगे और फिर हम उसके बाद थंब बनाएंगे। थंब की अलग जगह को हम लोग स्लिप स्टिच से सिंगल क्रोशिया से थंब की जगह अलग बना लेंगे और फिर बाकी को हम लोग 15 स्टिचेस छोड़ूंगी मैं थंब के लिए। यहाँ पे यूं करके 15 स्टिचेस छोड़ के तो यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशिया कर दूंगी और फिर मैं बाकी को और बुन लूंगी। तो ये साथ साथ जब हम पहला बनाते हैं तो फिर हम ये लिख लेते हैं, लिखते जाते हैं तो फिर हमें दूसरा पेयर बनाने में बहुत आसानी रहती है। मैं ये 38 सिंगल क्रोशिया बना लूं फिर आपसे मिलती हूँ आगे। अब ये मैंने 38 सिंगल क्रोशिया डाल दिए थे और फिर मैंने उसमें 38 कॉर्ड स्टिच डाल दिए हैं। अब हम हाफ डीसी करेंगे, मगर ये जब आप बैक लूप पे काम कर रहे होते हैं तो फिर आपको स्टिच के रो के एंड पे जो आप स्लिप स्टिच बनाते हैं वो भी आप बैक लूप पे बनाते हैं, क्योंकि अगर आप वो बैक लूप पे नहीं बनाएंगे तो फिर वो आप स्टिच का वो जो पैटर्न है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपका हमेशा यही होगा कि जब आप बैक लूप पे काम कर रहे हैं या फ्रंट लूप पे काम कर रहे हैं तो जिस पे काम कर रहे हैं स्लिप स्टिच भी उसी पे ही बनाएंगे हमेशा। ये हाफ टी सी है और बैक लूप पे चल रहा है। इस वक्त 3 स्टिच बने हुए हैं, सिंगल क्रोशिया, कॉर्ड स्टिच और हाफ टी सी, सिंगल क्रोशिया, कॉर्ड स्टिच, हाफ टी सी। तो ये देखें, सिंगल क्रोशिया, कॉर्ड स्टिच, हाफ टी सी, 1, सिंगल क्रोशिया, कॉर्ड स्टिच, हाफ टी सी, 2, सिंगल क्रोशिया, कॉर्ड स्टिच, हाफ टी सी, 3, और सिंगल क्रोशिया और फिर ये कॉर्ड स्टिच के ऊपर हम यहाँ पे थंब अपना थंब के लिए बंद कर देंगे। तो 1, 2, 3 सेट्स के बाद हम एक सिंगल क्रोशिया और एक कॉर्ड स्टिच बना के की रो बना के हम अपना थंब के लिए बनाएंगे। तो मैं यहाँ तक आती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ये 3 सेट कंप्लीट हुए हैं, सिंगल क्रोशिया, कॉर्ड स्टिच, हाफ डी सी 1 सेट, सिंगल क्रोशिया, कॉर्ड स्टिच, हाफ डी सी 2 सेट, सिंगल क्रोशिया, कॉर्ड स्टिच, हाफ डी सी 3 सेट और उसके बाद एक रो सिंगल क्रोशिया की और लास्ट कॉर्ड स्टिच की रो कंप्लीट होके अब हम डालेंगे पहले स्लिप स्टिच। तो इनको बंद करने के लिए किया, अब हम 10 स्लिप स्टिच और डालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 10 स्लिप स्टिच हो गए।
हम इसको थोड़ा सा पुल कर लेंगे, फिर हम इस तरफ से जहां से हमने अभी ज्वाइन किया था हम यहां से 5 स्टिचेस और लेंगे। ये है स्लिप स्टिच, 1, 2, 3, 4, 5, 5th में हम इसको इंसर्ट करेंगे और हम इसको ले लेंगे। ये हमारा थंब का बन जाएगा। अब हम यहाँ पे हमारा जो पैटर्न चल रहा है सिंगल क्रोशिया कॉर्ड स्टिच और हाफ डीसी, सिंगल क्रोशिया कॉर्ड स्टिच और अब हाफ डीसी डालेंगे हम यहाँ पे। बैक लूप बनाना था। अब ये हम सिर्फ फिंगर्स का राउंड कंप्लीट करेंगे और फिर हम यहाँ पे हैं। इसके बाद हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और हम 2 रोज कॉर्ड स्टिच की डालेंगे और यहाँ पे वाइंड अप कर देंगे। हाफ डीसी में इसको डाल रही हूँ ये वाला। अब ये सिंगल क्रोशिया डलेगा, फिर 2 कॉर्ड स्टिच की रोज आएंगे और यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर मिलती हूँ यहाँ पे आके आपसे। ये देखें नाज़रीन, 2 स्टिचेस रह गए थे वो कंप्लीट हो गए और ये फिंगरलेस ग्लव्स बन गए और मैं अब आसानी से क्रोशिया भी कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है और हाथ भी गर्म है, कोजी है, कोई ठंडक नहीं फील हो रही। ये बहुत आसान और अच्छे उसके हैं। ये स्टिच इसलिए है कि ये थोड़ा सा बल्कि सा हो जाता है, गर्माइश देता है, तो इसलिए ये स्टिच यूज करते हैं सर्दियों में। मैंने आपसे कहा था ना ये व्हाइट नीचे आ रहा है तो अब ये व्हाइट ऊपर आएगा इस तरीके से। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप बनाएंगे इंशाल्लाह, फीडबैक जरूर दें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।